दोस्तों नमस्कार, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, ठीक है, एक सेक्टर के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ आते देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और कुछ एक्सपेक्टेड था चीज़ें, वो एक्सपेक्टेड से पहले यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी इस सेक्टर के लिए। तो वो कौन सा सेक्टर है वो हम देखने वाले हैं, और उन शेयर, मतलब बोल सकते हो उस सेक्टर में जो जो शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है उनकी भी लॉटरी लगते देखने को मिल रही है। तो चलिए फटाफट से इन्वेस्टमेंट प्लान जानते हैं और क्या है न्यूज़ वो भी देखते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉफिट गुरु की क्लास चैनल का लिंक दिया है, जाइए फटाफट से चैनल को विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पर डेली बेसिस की तरह आप लोगों के लिए इंट्राडे की टिप्स वाले वीडियो आते हैं, और जो आप लोगों के ट्रेडिंग स्किल मजबूत करें वैसे आप लोगों के लिए वीकेंड पर बेहतरीन टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो आते हैं। तो चलिए जो अपडेशन है उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हम इंडेक्स को देखते हैं, सबसे पहले किस में गिरावट है, किस में ज़्यादा तेजी है, हमें पता चल जाएगा कि वो आज की जो न्यूज़ है वो कौन से इंडेक्स के लिए, कौन से सेक्टर के लिए। अब देखिए मार्केट में अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई, बैंक निफ्टी का अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन मार्केट उस तेज़ी को होल्ड नहीं कर पाया। अगर देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी हल्की सी, मतलब आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 1% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ, ठीक है। ऑटो सेक्टर धूमधड़ाका, क्यों, क्योंकि इसी सेक्टर के लिए ये न्यूज़ देखने को मिली, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो लीडर बन रहा था अभी तक मार्केट का, आज उसने ही मार्केट को काफ़ी बड़ा प्रेशर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मीडिया सेक्टर में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा न्यूज़ आया, जिसके कारण मीडिया सेक्टर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला, ठीक है। रियल इस्टेट सेक्टर 3% की मजबूती है, इनके लिए तो दोस्तों आप लोगों को हमने अपडेट कर ही दिया है कि जो 29 सितंबर का दिन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एवरग्रीन का जो एक इंस्टॉलमेंट है वो 29 तारीख के दिन आने वाला है, तो क्या डिफ़ॉल्ट करेगा या पे करेगा वो देखने वाली बात है। तो जो ऑटो सेक्टर है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आई है गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट ने जो प्लान किया है अगर वो समय से पहले एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो अनुमान था वो चीज़ें हमें पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है अपडेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों लाइव मिंट की साइट के ऊपर मैंने आप लोगों को लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है दोस्तों, इंडिया हैज़ चाइना ऑन इट्स टूर्स एंड मोदी गवर्नमेंट इंगेज ताइवान टू सोल्व डोमेस्टिक चिप शॉर्टेज। अब आपको पता है कि ऑटो सेक्टर अभी चिप शॉर्टेज की कंडीशन से कितना गुजर रहा है, कितनी बुरी तरीके से गुजर रहा है, आपको पता है कि जो चिप की कंडीशन है, सेमीकंडक्टर की जो कंडीशन है मार्केट में वो बहुत खतरनाक देखने को मिल रही है, जिसके कारण हर कार मेकर्स कंपनी क्या कर रही है दोस्तों, अपने रेट हाई कर रही है। क्यों, क्योंकि ये मिल रही है, इनकी शॉर्टेज है, ये मिल रही है लेकिन काफ़ी हाई दाम पे मिल रही है इनकी। और साथ में अगर आप देखेंगे तो जो कमोडिटी सेक्टर है वो भी हाई पे जा रहा है, लाइक मेटल, ठीक है, मेटल कितना महंगा हो रहा है, फाइबर, ये सब कार में यूज़ होते ही है आप लोगों को पता है। तो जो उनका रॉ मटेरियल है वो उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो दोस्तों उनका खर्चा काफ़ी होगा, तो जिसके लिए हर कंपनी एक एक करके अब अपना क्या कर रही है दोस्तों, जो डोमेस्टिक सेल्स आप देखते होंगे नंबर्स किस प्रकार से रहते हैं, जो अभी आप लोगों को दिखेंगे खराब आते दिखेंगे, ठीक है। तो कंपनियां क्या कर रही है, सेल्स नंबर खराब आएंगे लेकिन रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, क्यों, क्योंकि कंपनियां समय से पहले अपनी हर कार्स के दाम बढ़ा रही है। अब यहाँ पर क्या है, चाइना से पहले हम क्या करते थे दोस्तों, चिप लाते थे, जो चिप का भी शॉर्टेज है वो पहले हमारे पास चाइना से आता था, ठीक है, चाइना से आता था। तो चाइना ने कितना बड़ा खेल किया, चाइना से हमारे संबंध थोड़े ख़राब हुए, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक, एक साल हो चुका है, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से रोक दिया गया जो हमारे देश में आती थी, ठीक है, और हमारे देश से वहाँ पर जाती थी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो अब मोदी गवर्नमेंट एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है, ठीक है, रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है चिप शॉर्टेज का, वो है ताइवान। ताइवान से अगर मान लीजिए चिप आती है, ठीक है, तो वो सस्ते दाम पे आएंगी, कार मेकर कंपनियों के लिए वो अच्छा रहेगा, ठीक है, चाइना को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और साथ में दोस्तों अगर आप देखें तो जो अनुमान दिन थे कि यहाँ तक चिप शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, वो समय से पहले ख़त्म हो सकती है, तो जिसके लिए आज हमारा ऑटो सेक्टर बूम बूम होते देखने को मिला है। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्यों, क्योंकि आप और मैं
लगभग 95% इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो दोस्तों ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि 2018 में ऑटो सेक्टर की कंडीशन बिगड़ी थी। उससे पहले ऑटो सेक्टर बूम 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 था, ठीक है, 2018 में कंडीशन बिगड़ी, 2019 में बिगड़ी, 19 एंड से थोड़ी रिकवरी चालू हुई, 20 चालू होते होते अच्छी रिकवरी हो गई थी, लेकिन फिर से पेंडेमिक आया और पेंडेमिक ने पूरी जो रिकवरी हुई थी उसको धराशाय कर गया। लेकिन उसके बाद भी सभी कंपनियों ने दोस्तों स्ट्रगल किया और एक अच्छी मजबूती कंडीशन में खड़ी हो गई है, आज आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए जो डिटेल में न्यूज़ है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, इंडिया एंड ताइवान आर इन टॉक ऑन एग्रीमेंट दैट क्लाउड ब्राइंग चिप मैन्युफैक्चरिंग टू साउथ एशिया अलॉन्ग विथ टेरिफ रिडक्शन ऑफ कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन सेमीकंडक्टर बाय द एंड ऑफ द ईयर। मतलब दोस्तों जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, जो चिप शॉर्टेज वाला जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है इस साल के अंत तक सुधर जाए। क्यों? क्योंकि भारत और ताइवान ये दोनों ही देशों के बीच में दोस्तों बातचीत चल रही है, एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डील चल रही है, ठीक है। हो सकता है तो मैन्युफैक्चरिंग फिर वो अपने देश में ही होने लगे, ठीक है, और जितना भी बड़ा ऑर्डर मिले वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहे। और उसी के साथ आप देखेंगे तो एक फ्रेश टेंशन दे दिया है चाइना को, किसने? हमारे देश ने। तो हमारे देश के लिए और ताइवान के लिए एक बहुत बड़ा ये अपडेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों एक रिप्लेसमेंट मिल रहा है। तो जो दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग अगर मान लीजिए अपने देश में होने लगेगी, ठीक है, तो जो सप्लायर कंपनियां रहेगी वो तो मार्केट में भागेगी, लेकिन दोस्तों ये भी भागेगी ऑटो कंपनियां, 5G नेटवर्क सप्लाई करने वाली कंपनियां। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां पर सबसे ज़्यादा चिप शॉर्टेज अभी आ रही है, तो चिप वहाँ पर क्या होगी, यूज़ होगी। आप अगर देखें तो जो प्लान है, चिप प्लान है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। $7.5 बिलियन का यहाँ पर हो सकता है इन्वेस्टमेंट कर दे गवर्नमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा, जो सप्लायर है 5G डिवाइस, इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, इनके लिए ये न्यूज़ बहुत अच्छा देखने को हमें मिलेगा। और जो अनुमान था कि इस समय तक चिप का जो शॉर्टेज है वो ख़त्म हो सकता है, अब उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो एकदम बेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा है दोस्तों ऑटो सेक्टर के लिए, जिसके कारण अगर हम देखें तो आज ऑटो कंपनियां में कौन कौन सी कंपनियां फोकस में रही है, तो यहां पर आप देख सकते हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों लीडर से, ऑटो सेक्टर का लीडर है, कार मेकिंग कंपनियां में सबसे बड़ी कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आप देखिए भारी भरकम तेजी लगभग 6.5% की, इसका प्रीवियस क्लोज था 6,952 रुपये का, स्टॉक ओपन होता है 6,974 रुपये का, हाई लगाता है 7,448 रुपये का और लो लगाता है 6,974 का, ठीक है। साथ में अगर हम देखें तो इसका जो 52 वीक का हाई है दोस्तों 8,329 रुपये का, ठीक है, ये बहुत जल्दी हमें ब्रेक होते देखने को मिल सकता है। अगर देखें तो लास्ट 5 दिन में 8% की तेजी है, लास्ट 1 महीने में 8.5% की है, लास्ट 6 महीने में अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर जब उसने अपना 52 वीक का हाई यहीं कहीं पर क्रिएट किया था, ठीक है, लास्ट 1 साल का अगर परफॉर्मेंस देखिए तो यह देखिए लगभग दोस्तों जनवरी में यहाँ पर उसने अपना 52 वीक का हाई क्या किया था, कन्वर्ट किया था। 1 साल में परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन था, लास्ट 5 साल में अगर हम देखेंगे दोस्तों मारुति सुजुकी का जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, लास्ट 5 साल में भी थोड़ा प्रेशर वाला है मूवमेंट, ठीक है, और ओवरऑल का परफॉर्मेंस देखें तो लगभग दोस्तों कंपनी तो मार्केट में वैसे बहुत पुरानी है और एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ हमें देखने को मिल रही है और एक अच्छे खासे हायर लेवल पे भी कंपनी होके आई हुई है, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे कि 2018 यहीं से गिरावट चालू हुई थी और आप देख सकते हो जहाँ यहाँ पर क्योंकि ऑटो सेक्टर इतनी जगह में काफ़ी अच्छा बूम था और यहाँ पर कंडीशन बिगड़ गई थी। तो ज़रूर दोस्तों आप एक लीडर जो है मार्केट का उसको फोकस में रखिए, ठीक है, उसी के बाद हम दूसरी कंपनी को फोकस करते हैं। आज बजाज ऑटो की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें भी लगभग 2.5% की तेज़ी देखने को मिली, 3,911 रुपये पे क्लोज़ हुआ। साथ में अगर आप देखेंगे तो 3,831 रुपये का ओपन था,
3924 रुपये का हाई था और 3822 रुपये का लो था। उसी के साथ साथ देखेंगे तो इसका भी 52 बिक का हाई है दोस्तों 4361 रुपये का। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं लास्ट 5 दिन में क्या मोमेंट है, 4% की तेजी है, लास्ट 1 साल में 31%, लास्ट 5 साल में अगर हम देखेंगे तो 38% तक की तेजी है और ओवरऑल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगभग 1357% का मोमेंटम जनरेट करके इस स्टॉक ने दिया है। ठीक है, तो बजाज ऑटो को भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। ठीक है, टाटा मोटर्स को देखते हैं। अब हम टाटा मोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो टाटा मोटर्स में भी बहुत शानदार तेजी देखने को मिली, लगभग 4% की आप देख सकते हो, 331 रुपये पर स्टॉक क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोज था दोस्तों 317 रुपये 95 पैसे, स्टॉक आज ओपन होता है दोस्तों 326 रुपये 15 पैसे, हाई लगाता है 333 रुपये 60 पैसे और लो लगाता है 323 रुपये 15 पैसे। जहाँ पर ओपन हुआ सेम वही प्राइस हमें लो देखने को मिल रहा है। अब ये तो हम दोस्तों आए दिन आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं कि टाटा मोटर्स पर फोकस करिए, लगभग 75 रुपये का शेयर था जब से तो हम आप लोगों को बोले रहे हैं खरीदते चले, क्योंकि दोस्तों ऑटो सेक्टर की जो कंडीशन है वो अब यहां पर सुधरने लगी है, तो इसको हमें फोकस में जरूर रखना चाहिए। और साथ में अगर हम आज अशोक लेलैंड के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अशोक लेलैंड में भी लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, 130 रुपये 40 पैसे पर स्टॉक क्लोज हुआ है। तो इनको भी फोकस में रख के चले क्योंकि इनका जो 52 बिक का ही है वो अभी कहीं हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए ऑटो सेक्टर के लिए और शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो ये था बेहतरीन अपडेट दोस्तों। ठीक है, ये जो बेहतरीन अपडेट अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों इस तो फिर हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।